आज हम पढ़ेंगे इधर ग्राफ। इधर ग्राफ किन दो के बीच में बनाया जाता है, इधर ग्राफ बनाने का उद्देश्य क्या है। कल हमने क्लाइमोग्राफ के बारे में पढ़ा था, क्लाइमोग्राफ हमने बनाया था। जैसे क्लाइमोग्राफ बनाया जाता है वैसे ही इधर ग्राफ बनाया जाता है। रचना विधि दोनों की सेम है, बराबर है। तो सबसे पहले हिदर ग्राफ क्यों बनाया जाता है। क्लाइमोग्राफ के बारे में हमने पढ़ा था कि क्लाइमोग्राफ में जलवायु का मानव पर क्या प्रभाव पड़ता है उसका अध्ययन किया जाता है। जो हिदर ग्राफ है, ग्रिप टेलर ने क्लाइमोग्राफ बनाया था और मैंने कहा था कि और विद्वानों ने भी क्लाइमोग्राफ बनाया, लेकिन ग्रिप टेलर का क्लाइमोग्राफ सबसे बढ़िया है, इसलिए हम उसको पढ़ते हैं। ग्रिप टेलर ने ही हिदर ग्राफ की रचना भी की और हिदर ग्राफ की रचना वहां हमने क्लाइमोग्राफ में देखा था। वेट बल्ब टेम्परेचर, आर्द्र बल्ब तापमान और रिलेटिव ह्यूमिडिटी, अपेक्षित जो आर्द्रता है उसके बीच में उन्होंने क्लाइमोग्राफ की रचना की थी। हिदर ग्राफ के अंदर क्लाइमोग्राफ के जो आर्द्र बल्ब तापमान है और अपेक्षित जो आर्द्रता है उसकी जगह यहाँ औसत मासिक वर्षा एवं औसत मासिक तापमान को लिया जाता है। पहला अंतर, यहाँ औसत मासिक वर्षा और औसत मासिक तापमान को लिया जाता है। देखो, इसका बनाने का उद्देश्य क्या था। इसका बनाने का उद्देश्य था कि मानवीय क्रियाएं मुख्यतः बस्तियों के संदर्भ में, यानी कि जो सेटलमेंट हमारे बस्तियों के संदर्भ में, जलवायु के अंतरों का प्रभाव स्पष्ट करने के लिए, यानी कि हमारी जो जलवायु है उसका जो सेटलमेंट है, बस्ती है जहां लोग रहते हैं, उनमें जलवायु के अंतरों को का जो प्रभाव है, अलग अलग कारण से अलग अलग प्रभाव पड़ता है। क्लाइमेट के अंदर कोई एक एलिमेंट तत्व नहीं है। क्लाइमेट की हम बात करते हैं तो क्लाइमेट एक बहुत ही बड़ा टॉपिक है हमारा, और हम पीजी के अंदर क्लाइमेट पे पूरी की पूरी जो बुक है वो हम पढ़ते हैं। तो उसमें क्लाइमोग्राफ के अंदर मानव पर और हिदर ग्राफ के अंदर विशेषकर जलवायु का जो बस्तियां हैं उन पर प्रभाव आंकलन करने के लिए हम इसकी रचना करते हैं। अब देखो, हम इसकी रचना करेंगे, हम इसकी रचना कैसे करेंगे। हम इसकी रचना करने के लिए जैसे हमने क्लाइमोग्राफ बनाया था वैसे ही हम, तो हिदर ग्राफ की रचना हम कैसे करेंगे। जैसे हमने क्लाइमोग्राफ की रचना की थी वैसे ही हम हिदर ग्राफ की रचना करेंगे। हमने इसके बारे में पढ़ लिया क्यों बनाया जाता है, किन के बीच में बनाया जाता है। अब देखो, ये एग्जाम्पल आपके सामने लिया गया है कि निम्नलिखित आंकड़ों की सहायता से नई दिल्ली का हिदर ग्राफ बनाइए। तो मैंने आपको क्या बताया था, सबसे पहले आपको मिनिमम और मैक्सिमम वैल्यू देखनी है कि मिनिमम वैल्यू कितनी है दोनों के अंदर और मैक्सिमम वैल्यू कितनी है। टेम्परेचर है, टेम्परेचर के अंदर मैक्सिमम वैल्यू कितनी है। टेम्परेचर की यदि हम बात करते हैं तो मैक्सिमम वैल्यू है 33.6। मिनिमम वैल्यू की हम बात करते हैं तो मिनिमम वैल्यू इसके अंदर 14.3, ये हमारी मिनिमम वैल्यू है। हम इसलिए देखते हैं ताकि हम इसको जब बनाएं तो पेज से बाहर न चला जाए, नहीं छोटा बन जाए। इस कारण रेनफॉल में मैक्सिमम कितनी है, रेनफॉल में मैक्सिमम है 21.1 सेंटीमीटर। मिनिमम कितनी है, मिनिमम है 0.2। अब हम क्या करेंगे, अब हम पैमाना मानेंगे कि एक्स एक्स पे जो चीज लेंगे उसका पैमाना मानेंगे, वाई पे जो चीज लेंगे उसका हम पैमाना मानेंगे। मैंने आपको बताया था टेम्परेचर, प्रेशर, ये जो चीजें होती हैं इन सभी को हम वाई एक्स पे
लेते हैं। तो यहाँ पे टेम्परेचर है, टेम्परेचर को हम लेंगे वाई एक्स पे, रेनफॉल है वर्षा है उसको हम लेंगे अक्षांश। हमेशा याद रखो टेम्परेचर प्रेशर ये जो चीजें हैं ये चीजें हमेशा वाई एक्स पर आती है। अब हम इसकी रचना करते हैं। अब इसका पैमाना, पैमाना देखो हम मानते हैं टेम्परेचर डिग्री सेंटीग्रेड और रेनफॉल सेंटीमीटर। अब देखो 33.6 मैक्सिमम है, यदि हम टेम्परेचर 1 सेंटीमीटर इक्वल हम यदि लेते हैं 1 डिग्री सेंटीग्रेड, इट मींस यदि हमने 1 सेंटीमीटर बराबर 1 डिग्री सेंटीग्रेड माना है, इसका मतलब यह है कि जो मैक्सिमम हमारी जो बिंदु है मैक्सिमम बिंदु कितनी डिस्टेंस पे बनेगा, मैक्सिमम बिंदु बनेगा 33.6 सेंटीमीटर। 33.6 जो सेंटीमीटर है बहुत ज्यादा लाइन हो जाएगी, इसलिए हम क्या करेंगे यह पैमाना हम नहीं लेंगे, यह पैमाना हम नहीं लेंगे। अब देखो इसकी जगह हम 2 लेते हैं तो ये कितना आएगा, 2 लेते हैं कम से कम ये आएगा 17 के करीब आएगा 17। यदि आप 3 लेते हो 3 ले लो कोई दिक्कत नहीं है, लेकिन जो हमारी कैलकुलेशन है वो कैलकुलेशन हमारी थोड़ी टफ हो जाएगी, बाकी कोई फर्क नहीं पड़ता। तो हम यहाँ पे यानी कि 2 वाला भी ज्यादा हो रहा है, हम 2 से ऊपर की ओर मानेंगे जितना हमें मानना चाहिए। यदि आप यहाँ 5 डिग्री सेंटीग्रेड लेते हो, 5 डिग्री सेंटीग्रेड, इसका मतलब मैक्सिमम लाइन कितने सेंटीमीटर की ऊपर जाएगी, 7 सेंटीमीटर के करीब। और रेनफॉल है, रेनफॉल के अंदर है मैक्सिमम 21.1। यदि रेनफॉल के अंदर आप वर्षा के अंदर 1 सेंटीमीटर बराबर 2 सेंटीमीटर वर्षा यदि आप लेते हो, तो इट मींस 1 सेंटीमीटर मैप डिस्टेंस, 2 सेंटीमीटर ग्राउंड डिस्टेंस। अब माने इसको तो 1 सेंटीमीटर इक्वल टू 2 सेंटीमीटर, इसलिए 21.1 सेंटीमीटर रेनफॉल को हम कितने लाइन से, लाइन आएगी 10 पॉइंट कुछ सेंटीमीटर यानी कि 11 सेंटीमीटर के करीब। यदि इन दोनों से रफ में बना के देखो डायग्राम सही बनता है तो आप इसको ले लो, और डायग्राम यदि सही नहीं बनता है तो आप इसको छोड़ सकते हो, दूसरा पैमाना आपको लेना पड़ेगा। अब देखो हम मान लेते हैं कि 1 सेंटीमीटर के 1 सेंटीमीटर हमने पैमाना लिया। सबसे पहले ये रेनफॉल वाला हम मानते हैं, रेनफॉल के अंदर हमने लिया कि 5 सेंटीमीटर रेनफॉल वर्षा, ठीक है। टेम्परेचर डिग्री सेंटीग्रेड है, टेम्परेचर का 1 सेंटीमीटर के बराबर हमने लिया कि 5 डिग्री सेंटीग्रेड टेम्परेचर, ठीक है। ये तो बुक में बना हुआ है, आपको कैसे लेना है, आपको अपने पेज के साइज के अकॉर्डिंग पैमाना मानना है। ये बुक की साइज है, बुक में ज्यादा बड़ा नहीं बनेगा, इस कारण इतना ही लिया गया है। आपको क्या करना है, आपको अपने पेज के साइज के अकॉर्डिंग आपको मानना है, ये आपको ध्यान रखना चाहिए। आप पैमाना मानने में गड़बड़ मत करना कभी। आप यहाँ पे ये डिस्टेंस ये रख के देखो कि 1 2, फिर आप देखो कि कितना लंबा बन रहा है, बड़ा बन रहा है या छोटा बन रहा है, नहीं हमें तो मीडियम चाहिए, इसलिए हमारे लिए तो यही सूटेबल रहेगा, ये आपको चेक करना है। अब क्या किया हमने कि ये 1 सेंटीमीटर 5 सेंटीमीटर वर्षा ले ली, ठीक है कोई बात नहीं, 1 सेंटीमीटर 5 डिग्री सेंटीग्रेड टेम्परेचर लिया। अब हमें एक एक बिंदु इस पे प्लॉट करना है। एक एक बिंदु प्लॉट करने के लिए हम क्या करेंगे, जैसे कि एक दो आपको मैं करके बताता हूँ कि पहला है जो जनवरी मंथ है, जनवरी में 14.3 डिग्री सेंटीग्रेड है, 2.5 वर्षा है, 14.3 डिग्री सेंटीग्रेड, ठीक है। अब देखो 14.3 डिग्री सेंटीग्रेड इसका मतलब 15 से नीचे आएगा, इसका मतलब लगभग यहां पर है। 2.5 वर्षा, ये 5 का है, 2.5 यानी कि इसके बीचों बीच। अब जनवरी के अंदर वर्षा कितनी है, 2.5 सेंटीमीटर, 2.5 2.5, और यहां पर टेम्परेचर कितना है, 14.2
14.2, ये दोनों बिंदु जहां मिलेंगे 2.5 सेंटीमीटर वर्षा और 14.2 डिग्री सेंटीग्रेड है, जहां ये दोनों मिलेंगे वहां हम बिंदु लगाएंगे और बिंदु लगा के हम क्या लिखेंगे, जनवरी, जनवरी महीना। हम दो तीन और देखते हैं, ऐसे ही हम यदि फरवरी को देखें 16.9 और 2.2, 16.9 और 2.2, 2.2 यानी कि 2.5 से कम आएगा, यानी कि जो लाइन हमने खींची है उससे थोड़ा पहले आएगा, 2.5 थी ये 2.2 है, लेकिन टेम्परेचर कितना है 16.9, तो 16.9 कहाँ पर आएगा, 16.9 लगभग यहाँ पर, और 2.2 है, 2.5 से कम आएगी। तो ये दोनों बिंदु 2.2 और 16.9 जहां मिलेंगे वहां हम क्या लिख देंगे, फरवरी, फरवरी का एफ लिख देंगे। इस प्रकार हम क्या करेंगे, इस प्रकार जनवरी, फरवरी, मार्च, अप्रैल, मई, जून, जुलाई, अगस्त, सितंबर, अक्टूबर और फिर नवंबर, फिर दिसंबर। दिसंबर को हम कहां मिलाते हैं, जनवरी से, दिसंबर को हम मिला देंगे जनवरी से। तो इस प्रकार हम देखते हैं कि जैसे क्लाइमोग्राफ में हमारे पास ग्राफ बना था, वैसे ही हीटर ग्राफ में हमारे पास वैसा ही ग्राफ बन जाएगा। तो हम क्लाइमेट के अलग अलग पक्ष को लेकर बस्तियों का अध्ययन करते हैं, उसके अंदर एक ये हीटर ग्राफ की भी हम रचना करते हैं। और आप देख रहे हो कि ये कोना इसका इधर निकला हुआ है, ये वाला इधर निकला हुआ है, यानी कि ये मैक्सिमम यदि यहाँ आ रहा है, इसका मतलब क्या हुआ कि इसके अंदर टेम्परेचर ज्यादा है, टेम्परेचर यहाँ पर ज्यादा है, रेनफॉल यहाँ पर कम है। ये जो एरिया है इसका मतलब यहाँ रेनफॉल ज्यादा है, टेम्परेचर भी ज्यादा है। एक इसकी और खास बात है कि बस्तियों के संदर्भ में हमने अध्ययन किया, दूसरा ये औसत मासिक वर्षा और औसत जो तापमान है उसको भी प्रदर्शित करता है, और ये दोनों चीजें हैं, ये दोनों चीजें फसलों को उत्पादित करने में बहुत ही महत्वपूर्ण स्थान रखते हैं। यदि वर्षा हो, टेम्परेचर हो, तो फसलें उत्पादित होती है। तो हम जो फसलें हैं, फसलों का पर भी अध्ययन करने के लिए इस ग्राफ का हम प्रयोग करते हैं कि जहाँ टेम्परेचर और रेनफॉल होगा वहाँ फसल उत्पादित होगी, जहाँ केवल टेम्परेचर होगा, रेनफॉल नहीं है, वहां फसल उत्पादित नहीं होगी। इसलिए आप देख रहे हो इसका प्रयोग क्षेत्रीय, इसका प्रयोग विभिन्न क्षेत्रों की जलवायु का अध्ययन करने तथा उनका विभिन्न फसलों जैसे चावल, गेहूं, कपास, चाय, कहवा, गन्ना आदि पर पड़ने वाले प्रभाव की तुलना के लिए भी किया जाता है, क्योंकि किसी भी फसल को उत्पादित होने के लिए तापमान और पानी उसको चाहिए। इस कारण फसलों पर भी हम अध्ययन करने के लिए इसका प्रयोग करते हैं, और जो बस्तियां हैं उनका भी अध्ययन करने के लिए हम इसका प्रयोग करते हैं।